नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार गोवा विधानसभा चुनाव पर। गोवा विधानसभा की 40 सीटों के लिए 4 फरवरी को मतदान होने वाले हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने राजनीतिक मुद्दों को तराशने में जुटे हुए हैं। सत्ताधारी पार्टी के साथ 4 साल तक रहने के बाद आरएसएस ने अपने आप को अलग कर दिया है और गोवा सुरक्षा मंच नाम का एक मंच तैयार किया है, जिसमें महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी और शिवसेना के साथ उसकी भागीदारी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी चुनाव में नया रंग भरने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक पूर्व ब्यूरोक्रेट को अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रचार तेज किया है और धोखे और भ्रष्टाचार की चार्जशीट के साथ कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा कई और छोटे छोटे दल हैं जो राजनीतिक मंच पर अपने अपने मुद्दों के साथ लोगों के सामने हाजिर हैं। कई तरह के एनजीओज भी इस चुनाव में अपने अपने तरीके से मुद्दों को उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 3,700 वर्ग किलोमीटर में फैले इस गोवा में न मुद्दों की कमी है, ना ही सियासी दलों की कमी है, और कई तरह के सियासी दल अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के सामने हैं। राजनीतिक पार्टियों के रूप में जनता के पास भरपूर विकल्प है और इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के कुछ नुमाइंदों के साथ आज हम इस प्रोग्राम में हाजिर हैं। यहाँ पर गोवा की युवा जनता भी हमारे साथ है, इनसे करेंगे सवाल जवाब। हमारे साथ मौजूद हैं राहुल महावरे, आप आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और प्रवक्ता हैं गोवा में। हमारे साथ हैं राजू नायक, आप लोकमत अखबार में संपादक हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के नेता रमाकांत खलप, आप गोवा के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं बीजेपी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुंदा चोडनकर, आप गोवा बाल भवन की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। और हमारे साथ हैं हृदयनाथ शिरोडकर, आप गोवा सुरक्षा मंच के जनरल सेक्रेटरी हैं, बेसिकली आप संघ से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर युवा छात्र छात्राएं हैं जो यहाँ के अलग अलग कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटी से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आए हैं। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं कुंदा जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आप लोगों ने 5 साल तक सरकार चलाई, तो किस तरह के चुनावी वादे हैं, किस तरह के मुद्दे हैं जिसके साथ आप चुनाव में उतरने जा रही हैं? हम डेवलपमेंट जो ये है ना, डेवलपमेंट का मुद्दा लेके जा रहे हैं आगे, क्योंकि पिछले 5 साल में गोवा ने जो डेवलपमेंट देखा है यहाँ, जहाँ की ये जो सब काम चल रहे हैं, जो अभी मांडवी ब्रिज है, ज्वारी ब्रिज है, 4-lane हाईवे है, बहुत सारे काम जो भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है उसे आगे लेके जाना है, इसलिए हम डेवलपमेंट के साथ ही ये प्रचार, अभी हमारा प्रचार है, ये इलेक्शन में जा रहे हैं हम लोग जी। 2012 के इलेक्शन के दौरान जो आप लोगों ने कुछ वादे किए थे, उनमें से कुछ वादों को उठाया है। आप लोगों ने इंडस्ट्री और जॉब को लेकर वादे किए थे 2012 में, जिसमें आपने कहा था कि 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 5 साल के दौरान, और उससे 50,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। लेकिन 2015 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि केवल 20 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आए और 1107 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। उम्मीद है कि इससे 2600 के करीब लोगों को रोजगार मिला होगा। अभी तो शुरू, तो ये 5 साल के आप लोगों का लेखा जोखा है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट सेक्टर में है। आप इस तरह के परफॉर्मेंस से जनता को कैसे संतुष्ट करेंगी? अभी तो शुरुआत हुई है, 5 साल के 60 months रहते हैं। अभी हमने शुरुआत की है, एक है पढ़ने में, 5 साल में आप लोगों ने शुरुआत की है, मैं बताती हूँ। हाँ, एक है पढ़ने में और एक है वहाँ चिंबल में। यहाँ अगर कुछ काम हम शुरू करना चाहते हैं तो भी यहाँ वहाँ के कुछ एनजीओ भी रहते हैं, तो पहले से नो ऑब्जेक्शन लाते हैं, ऑब्जेक्शन लाते हैं कुछ करने के लिए। तो अभी जब हम लैंड एक्विजिशन करते हैं कुछ प्रोजेक्ट के लिए, कुछ करने के लिए सोचते हैं, तो अभी सब जब प्रोसेस करते हैं इसके लिए टाइम लगता है। तो आप अभी कह रहे हैं कि अभी आप नए प्रोजेक्ट्स के लिए जब लैंड एक्विजिशन करते हैं तो एनजीओज उसमें हर्डल पैदा करते हैं। पर एक बात बताइए, एक खबर शुरू में जब सरकार आई थी तो मैंने देखा था कि लिकर इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए आप लोगों ने जो नारियल के पेड़ थे उनका डेफिनेशन ही बदल दिया। क्या आप इसे ठीक मानती हैं? अगर इसमें लैंड एक्विजिशन करने के लिए नारियल के पेड़ का डेफिनेशन बदल दिया और उसको घास के श्रेणी दे दी, क्या ये सही था आप लोग का कदम? देखो, यहाँ गोवा के लोग नारियल को नारियल को झाड़ यानी भगवान के रूप में देखते हैं। अगर हमने नारियल का पेड़ लगाया है ना,
तो जानबूझकर कोई नहीं काटता है ये पेड़। हम जितनी हो सकते हैं कि नारियल के पेड़ बचाने की कोशिश करते हैं, पेड़ बचाने के लिए। नहीं, मैं बताती हूँ इसके आगे। वो जो नारियल का पेड़ या अपने हमें ग्रास अपने बताए ना, तो लेकिन जब नारियल हम उगाते हैं अपने घर में, तो कोई भी जानबूझ के वो नारियल पेड़ काटते नहीं है। जैसे कि आपको नहीं, मैं बताती हूँ, नहीं मैं बताती हूँ, अगर हमने बहुत सारी जगह देखी होगी कि जहाँ क्या होता है कि नारियल का पेड़ ऐसे हम लगाते हैं तो ऊपर जाने के बजाय ऐसे स्लांटिंग भी आते हैं, बहुत सारे पेड़ आते हैं वैसे। तो क्या होता है अगर अपने घर में, घर के ऊपर भी अगर वो पेड़ आता है और ऐसे डेंजरस है, तो ये काटने के लिए बहुत सारी NOC और ये प्रोसेस करना होता है। जब वो काटना कंपलसरी काटना होता है, तो ये इंडस्ट्रीज के लिए और कुछ के लिए ऐसा नहीं लाया है, ये लोगों के सुविधा के लिए हमने बिल पास किया। आप कह रही हैं कि ये लोगों की सुविधा के लिए आया, आप लोग NGO बेस्ड पार्टी हैं, इसलिए मैं और काफ़ी सारे NGOs आपके सपोर्ट में हैं, और इनका ये कहना है कि कई बार NGOs विकास के कामों में बाधा पहुंचाते हैं। आपने सही एग्जाम्पल दिया, मतलब मैं नारियल की बात कर दूं तो नारियल जो एक बियर फैक्ट्री आने वाली थी और गांव के जो लोग थे वहाँ पे उनको पूरा देवर रिजेक्टिंग अपोजिशन था, इन्होंने जो बताया टेढ़ा पेड़ जो आता है उनके लिए प्रोविजन है एक्ट में, यू कैन आस्क फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दे गिव द परमिशन, उनका परमिशन मिलता है। लेकिन ये पर्टिकुलर जगह में करीब से करीब 1000 नारियल के पेड़ थे और पर्टिकुलर बियर फैक्ट्री को फायदा पहुंचने के लिए उसने ये अमेंडमेंट कर दिया, मतलब नारियल मतलब ग्रास क्लासिफाई कर दिया। तो पूरे NGO क्यों अपोज करें, उनको लोगों का गाँव पंचायती राज मतलब क्या, लोगों का राय लेना जरूरी है, उनका मत लेना जरूरी है। समझो वो ना बोलते हैं तो क्यों ना बोल रहे हैं, लोकल्स को कॉन्फिडेंस में ना चाहिए, उनका फायदा क्या हो रहा है। पीपल इन गोवा वांट द गोवन आइडेंटिटी टू बी प्रिजर्व, मेन इथोस। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता को भरोसे में लेकर कोई काम करना चाहिए था, यहाँ पर जनता को भरोसे में नहीं लिया गया, ये एक इसकी गोवा एकदम छोटा राज्य है, मतलब गोवन आइडेंटिटी रिजर्व करना वो लोग चाहते हैं। हृदयनाथ जी, आप लोग करीब करीब 4 साल तक सत्ता में रहे और पूरी तरह से इस सरकार के साथ भागीदारी में रहे, लेकिन जब इस तरह के मुद्दे आए जहां पर जन भावनाओं का ख्याल नहीं किया गया, आप लोगों ने क्या किया उसको बदलवाने के लिए या जन भावनाओं का ख्याल रखने के लिए? आपने आखिरी साल में जाकर अपने आप को इससे अलग कर लिया और एक अलग मंच बना लिया, लेकिन जनता तो ये भी तो देखेगी ना कि जब 4 साल तक लोगों को परेशानियाँ होती रहीं तब आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, सत्ताधारी पार्टी के साथ बने रहे। पहली बात तो ये है कि हम लोग सत्ता में नहीं थे, सत्ताधारी पार्टी के साथ नहीं थे, हम लोग संघ है और संघ जो है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी BJP है, उनको सपोर्ट था, इंटरनल तो सपोर्ट था। क्यों पॉलिटिक्स में आ गए? नहीं, सुनिए ना, क्या होता है कि एक घड़ा होता है, घड़ा भरने तक हम लोग रहे थे, जब तक घड़ा भर गया पापों का BJP का तब लोग हम बाहर निकले। 2 साल पहले निकले, 6 महीना पहले नहीं निकले। पार्टी तो 2.5 महीने पहले बनाई। पार्टी गोवा सुरक्षा मंच जो पार्टी है, वो भारतीय भाषा सुरक्षा मंच का आउटफिट है। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच 2011 से है, 2011 से हम लोग एक मुद्दा लेके झगड़ रहे थे कांग्रेस से। कांग्रेस का जो हाल हुआ 2012 में वो हमारी वजह से हुआ और हमारे साथ फैंसी ड्रेस कर रहे थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ब्लैक टी शर्ट डाल के। अभी उनका फैंसी ड्रेस खत्म हो गया, सो उनका फैंसी ड्रेस अभी हम लोग दिखाने वाले इस इलेक्शंस में। अच्छा, सो ये जब नाटक सब किया ना BJP ने, मातृभाषा में शिक्षण होना ही चाहिए, लोगों ने बाहर निकलना ही चाहिए, ऐसा BJP का मुद्दा था। और ये मुद्दा लेके BJP 2012 में इलेक्शन लड़ी, इलेक्शन जीती, 21 सीट मिले, हम लोग उनके साथ थे। क्योंकि ये जो मुद्दा है वो मुद्दा गोवन आइडेंटिटी का है, गोवन कल्चर का है, और अगर गोवन कल्चर बचा। हृदयनाथ जी, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि BJP जो है वो फैंसी ड्रेस कर रही है, आपके साथ वो उन लोगों ने जो वादे किए थे मिलके वो वादे पूरे नहीं हुए और इसलिए नाराजगी में आप लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, पर ये बताइए कि क्या आप गोवा की जनता को ये भरोसा दे सकते हैं कि चुनाव के बाद आपका मंच BJP के साथ जाकर सरकार में शामिल नहीं होगा, अलग रहेगा कम्प्लीटली और हमेशा अपने मुद्दों पर लड़ता रहेगा? गोवा की जनता को हम लोगों को भरोसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोवा की जनता जो है वो हम पे भरोसा कर रही है, वो उनका भरोसा लेके हम लोग मंच बनाए हैं, उनको उनका भरोसा लेके हम लोग पार्टी बनाए हैं और इस इलेक्शन में उतरे हैं। अगर आप देखें 2 साल से आपके मंच में से कोई और दल निकल के चला जाए BJP के साथ तो नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा ऐसा,
गोवा के लोगों को भरोसा है, गोवा के लोग हमको जानते हैं, और 6 महीने से नहीं जानते, 50 सालों से गोवा के लोग हमको जानते हैं। हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोग वोटिंग कर रहे थे, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग नहीं हो रहा इस बार। भारतीय जनता पार्टी इस बार सिंगल डिजिट में आने वाली है और ये गोवा की जनता आपको 11 मार्च तक दिखाएगी। गोवा सुरक्षा मंच का कहना है कि हम ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ लेंगे, तो बाकी विरोधी क्या करेंगे फिर? बाकी विरोधी तो देख रहे हैं इनकी ओर भी, इनका भी तमाशा चल रहा है, इनका फैंसी ड्रेस सबका सब लोग भारतीय गोमंद की जनता देख रही है। हमारी बहन ने कहा कि डेवलपमेंट मुद्दे पर ये फिर गोवा के लोगों के सामने जा रही है। इनके डेवलपमेंट जो शब्द है इसमें भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। एक उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि मांडवी ब्रिज का बताया गया लोगों को 2 बरस पहले कि हम 200 करोड़ में ये ब्रिज बनवा रहे हैं, 200 से 350 करोड़, 350 करोड़ हो गया, 450 करोड़ हो गया, अभी 700-900 करोड़ हो गया। इस तरह से 900 करोड़ तो हो गया, और शायद जब पूरा हो जाएगा तो 1500 करोड़ तक ऐसा सारा सारी चीज़ चलती रहेगी, जैसा कि हनुमान होता है ना, और कोई डेडलाइन बढ़ता रहता है। डेडलाइन की कोई बात नहीं, डेडलाइन इतनी है, इतना पैसा इलेक्शन के लिए मिला या नहीं, भ्रष्टाचार के लिए मिला नहीं, इसी पर सारी। जिस पार्टी ने गोमंत की मतदारों को कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, अभी क्या हो गया, इन लोगों के ये कारनामे जो हैं डेवलपमेंट के बाद में, इनसे पूरे बदनाम ये पार्टी हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी इस वजह से छलांग मार के ऊपर आ रही है, अभी छलांग मार के ऊपर आ रही है और वो सरकार बनाने जा रही है। कितनी चीज़ें इन लोगों की, इन्होंने कहा था 35,000 करोड़ रुपया माइनिंग से रिकवरी होगी, माइनिंग में चुरा गया, माइनिंग से चुरा गया, कांग्रेस वालों ने खा गए 25,000 करोड़। और हमने भी कहा लोगों को, ऐसी बात है तो आने दो इन्हें सरकार में, आने दो सरकार में। आ गए ये लोग, 35,000 से 35 नए पैसे भी इन्होंने निकाले नहीं। कहा था कि माइन ओनर्स, मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, इनको हम हवालात में बंद कर देंगे, एक पर भी FIR भी दर्ज नहीं हुआ। ऐसी बातें क्यों हो गई? जी, आपने अच्छा रेज किया क्वेश्चन, मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब ज़रूर दें, इसके बाद मैं अगले पैनलिस्ट के पास जाऊँगी, कि आप लोगों ने ना FIR दर्ज किया, ना रिकवरी की, ना ही कोई बदलाव आया खास माइनिंग सेक्टर में, तो फिर आपके वादे तो अधूरे रह गए। और इस आधार पर अगर जनता जज करेगी तो क्या जज करेगी, आपके बारे में कैसे अपना पक्ष बनाएगी? पहले मैं शुरू करती हूँ मांडवी ब्रिज के बारे में। जब वो मांडवी ब्रिज शुरू हुआ था, अब इसका कॉस्ट ये था वो था, तो जब ये इतने साल में पावर में थे, ऐसे नहीं है कि मैं तो कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं एक पार्टी के कार्यकर्ते के नाते से हूँ यहाँ पे। तो जब एक काम शुरू हो जाता है तो भी मैं वो ब्रिज के लिए पार्टी भी। के बारे में बता दूं कि हमने 3 दिन में कम से कम 3 नेताओं को आपके ट्राई किया, और सब लोगों ने वादा करके मुकर गए। फाइनली अब मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आई। अभी इलेक्शंस है इसलिए सभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रचार में, हाँ। तो हो सकता है इसके लिए वो नहीं आए, लेकिन जब वो अभी वो जो मांडवी ब्रिज हो रहा है, मैं एक ही एग्जांपल देती हूँ जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, शिवोली मांदरे का ब्रिज आपने नहीं बनाया? नहीं नहीं नहीं, बनाया वो शुरू किया था कब? वो शुरू उधर 8-10 साल वैसा ही था, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तब अपने वो कम्प्लीट किया है। तभी इसका जब कॉस्ट कितना था और पूरे होते तक कितना कॉस्ट हुआ, इसकी ज़रा जानकारी हमें दे दीजिए, इसीलिए इसको बोलना चाहिए ना। जब कोई भी काम शुरू करता है तो एस्टीमेट। आप माइनिंग सेक्टर के बारे में बताएं। माइनिंग सेक्टर के बारे में लोगों ने FIR तक दर्ज नहीं कराई, वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन इसकी इंक्वायरी अभी चालू है। अगर हम अभी 5 साल में आए तो ये आगे लेके जाएंगे। इंडस्ट्री यू नो कैप्टन्स जिन लोगों के पास था उन्हीं लोगों के पास अभी भी बरकरार है, अभी भी उनको दे दिया है। दिस इज टोटल करप्शन। बीजेपी गवर्नमेंट हैज टेकन ए बिग यू टर्न ऑन माइनिंग इंडस्ट्री। लेकिन ओवरऑल अगर बीजेपी गवर्नमेंट के 5 साल के परफॉर्मेंस को जज किया जाए तो पब्लिक की नजर में कौन कौन से ऐसे अचीवमेंट थे उनके जिसके आधार पर वो अब दोबारा जाएंगे वोट मांगने के लिए, क्या वो अचीवमेंट होंगे या फिर कहीं ना कहीं उनके उनको भी जवाब देना पड़ेगा जनता के सामने जाके? देयर इज एनी अचीवमेंट, दे हैव गिवन डोल्स, यू नो, डोल्स टू द लिमिट ऑफ 5,000 करोड़।
हर साल इतना पैसा हमारे पास नहीं है, पहले माइनिंग से आता था 7,000 करोड़, अभी माइनिंग इंडस्ट्री बंद है तो कहाँ से लाएंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कर लगा रहे हैं, पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड एंड दे वांट टू टीच ए लेसन टू बीजेपी। मुझे लगता है 5 साल में उनका कोई अचीवमेंट ऐसा नहीं है, सिर्फ डोल दिए है और ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलें लोगों के ऊपर खड़े कर दिए। लोग बहुत तंग है एंड दे वॉन्ट टू टीच ए लेसन, बट अनफॉर्चुनेटली देर इज़ नो अल्टरनेटिव इन गोवा। कांग्रेस पार्टी है, आप है, गोवा सुरक्षा मंच है, एवरीबडी सेज दैट दिस इज द बी टीम ऑफ बीजेपी। गोवा सुरक्षा मंच बी टीम, बिकॉज वी हैव सीन लास्ट 2 मंथ्स उनका आवाज ही नहीं है। कांग्रेस लोगों ने तो टोटल कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अगर आप पूछती 6 महीना पहले ऐसा लग रहा था कि पीपल आर गोइंग टू वोट अगेंस्ट बीजेपी, बट उनको लिए एक वायबल ऑल्टरनेटिव रहना चाहिए, तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं दिख रहा है। इसलिए अभी लग रहा है कि ज्यादा से सबसे बड़ी पार्टी करके बीजेपी उभर कर आएगी। तो आप लोगों ने विकल्प बनने के लिए अपने हाथ क्यों खड़े कर दिए? क्यों नहीं आप लोग उस तरह से एक्टिव हुए कि ताकि लोग आपके अंदर एक विकल्प की संभावना तलाश कर सकें? पार्टी के ऑपोजिशन जो काम करना था उसके बारे में कुछ विकल्प है, कुछ प्रश्न खड़े तो हो रहे हैं, लेकिन लेकिन कांग्रेस ने ग्रास रूट में जाके इस सरकार के कारनामों के बारे में हमेशा लोगों को बताया कि क्या हो रहा है, कहाँ तक ये चल के जाएगा। अभी बात देखिए, इनके चीफ मिनिस्टर हैं लक्ष्मीकांत पारसेकर, परसों इन लोगों के एक एक नेता ने दिल्ली से आके एक एक यहाँ पे लोगों को बताया इसको हम बदल रहे हैं, ये नहीं है हमारे नेता, ये कुछ काम के नहीं है, पर्रिकर आएंगे दिल्ली से या और कोई नेता दिल्ली से आके यहाँ पे सीएम बनेगा, इस तरह का लोगों को आश्वासन देना क्यों जरूर पड़ा इनको? इन पर यह नौबत क्यों आ गई? इसलिए आ गई कि 4 बरस में इन लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया। पूरी इकोनॉमी गोवा की 2 चीज़ पर निर्भर है, एक है माइनिंग, रीढ़ की हड्डी जैसे कि इकोनॉमी की, दूसरा है हमारा पर्यटन टूरिज्म है। माइनिंग इन्होंने एक रात में एक जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है इन दिनों में, वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक पर्रिकर जब चीफ मिनिस्टर थे गोवा में कर दी। हमने सुना, लोगों को बताया, आज से माइनिंग पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से बंद कर दी, लीगल बंद कर दी, इलीगल बंद कर दी, इरेगुलर बंद कर दी, और आगे चल के क्या, कुछ 1.5 लाख बच्चे लड़के गोवा के लोग इस काम पर निर्भर थे। असेंबली में इन लोगों ने उत्तर दिया है, ये स्टैटिस्टिक उन्हीं की स्टैटिस्टिक्स है। 40,000 ट्रक, और ट्रक माने इसका ट्रक के ओनर है, ओनर की फैमिली है, ड्राइवर है, क्लीनर है, मैकेनिक है, सारे घर बैठे, मतलब 40,000 ट्रक और ट्रक के से जुड़े हुए पूरी उनकी फैमिली और प्लस 1.5 लाख और प्लस 1.5 लाख जो काम करते हैं वो चले गए, करीब 2 लाख। और उसके बाद ये जो बार्जेस इसमें से ये आयन और माइनिंग से इधर समुन्द्र दिशा में ट्रांसपोर्ट होता था, वो 400 बार्जेस बंद हो गए। एक बार्ज इसका मतलब होता है कुछ 200 लोग काम पे रहते हैं, इसके 2-3 शिफ्ट में काम करते हैं, मालिक अलग होते हैं, तो करीब करीब 2 लाख लोगों का रोजगार पूरा इन लोगों ने छीन लिया। ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। दूसरी तरफ से टूरिज्म जो है, टूरिज्म को इसने इस तरह से बढ़ावा दिया, ड्रग का फैला हुआ, कैजिनो के माध्यम से जुआ आ गई इधर। और मैं हमेशा कहता हूँ ये जो जुआ जैसी जो क्या कहते हैं इसको व्यसन यानी कि वाइसेस, नो वाइस कम्स इन अ स्टैंड अलोन पोजिशन। इनके सिबलिंग रहते हैं, जुआ आता है तो दारू आती है तो वेचा व्यवसाय आता है, या आता है तो बुटलेगिंग आता है तो कोई ये झगड़ा फसाद करने वाले बाकी सारे गुंडे लोग आते हैं। तो इस तरह से गोवा को पूरे इस खाई में इन लोगों ने फेंक दिया है। बोलते थे कि हम जुआ कैसीनो पूरी तरह से बंद करेंगे। आपने उठाया माइनिंग का मुद्दा, आपने उठाया कैसीनोस का मुद्दा, आपने और भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ ये मुद्दों पर आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आप लोगों के ऊपर कोई क्यों विश्वास करे? क्योंकि जब विकल्प के रूप में कांग्रेस उनके पास है ही, तो फिर क्या आप लोग कांग्रेस का वोट काटने के लिए नहीं खड़े हो? मैं आपको पहले 5 साल रिमाइंड कर देता हूँ, जब पर्रिकर जो इलेक्शन थे तभी कांग्रेस जो पहले उसके थी कम्प्लीटली फेल्ड, कैसे उन्होंने लाए थे, माइनिंग स्कैम उनके सरकार में हुए थे, और पर्रिकर जो 5 साल पहले 2012 में हर घर घर में घूम रहे थे हम कैसीनो बंद कर देंगे, माइनिंग स्कैम रिकवर कर देंगे, गोवा को रीजनल प्लान देंगे, वो मुद्दे तो छोड़, पूरा यू टर्न कर दिया,
बीजेपी सरकार ने रीजनल प्लान वही जो लिम्बो में, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने एक यू टर्न चार्जशीट तैयार किया है जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। ये उन्होंने जीरो करप्शन, 100% करप्शन, मोर जॉब्स, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट, नो कैसीनोज, मोर कैसीनोज, नो ड्रग्स, मोर ड्रग्स, स्पेशल स्टेटस, नो स्पेशल स्टेटस, गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, ऑल दिस इश्यूज वर दे स्टार्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनको सरकार में ही चालू हुए थे। रीजनल प्लान पूरा जो मार्कर लेके बैठे थे, ग्रीन को रेड में कन्वर्ट कर देते थे। कैसीनो ने उन्हें लाए थे, परिकार ने बढ़ा दिए। मतलब कांग्रेस ने कैसीनोस इंट्रोड्यूस किया, दे इंट्रोड्यूस इट, और परिकार ने 2012 में बोले थे उनको बंद कर देंगे। बंद करने के बजाय उसने बढ़ा दिए कैसीनोस। अभी मांडू में पूरा कैसीनो का प्रोस्टिट्यूशन आ गया, ड्रग्स आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, वो सब आ गया। और जो दोनों पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं वो कैसीनो वाले ही कर रहे हैं। दोनों आपको कौन कर रहा है? हमको आम आदमी जोड़ रहे हैं। हमारे हर सभा में हम अपना झोली जो रखे भी है पार्टी के, इसलिए थोड़ा सा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारा झोली लेके हम हर मीटिंग में घूमते हैं। वैसे भी हमारे ऑनलाइन डोनेशन आते रहे, पूरा जो डोनेशन है वो हमारे वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हुआ है। और बता दूं आपको, खुशी होती है कि पूरे 8% या 5% जस्ट कैश डोनेशंस, बाकी सब ऑनलाइन या चेक भी। जी, आप लोगों ने भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया है इस चुनाव में। आपके नेता भी आके बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन आप लोगों ने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट जिसे बनाया है उसके ऊपर तो पहले भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। आपने अच्छा सवाल किया। आप सोशल मीडिया पर देख लो, पार्सेकर और जो हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर, उन्हें बाइट्स दिए हैं, ये अच्छा ब्यूरोक्रेट है, इज अ गुड ब्यूरोक्रेट, परफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेट। जब उसने डिसीजन किया कि वो वीआरएस लेंगे रिटायर, तब ये सब मुद्दे चालू हो गए। ही इज इन्वॉल्व इन हाउसिंग बोर्ड स्कैम एंड दिस स्कैम। सो ये सब मुद्दे उसके बाद जब वो उसने अनाउंस किया कि वो आम आदमी से जुड़ रहा है, देन ऑल दिस स्कैम्स केम। वन मोर इशू, नायक जी ने बोला कि कांग्रेस इज कमिंग अप। कांग्रेस इज डेफिनेटली नॉट इन द पिक्चर एट ऑल। दिल्ली में वही हाल थे। दिल्ली मीडिया वॉज प्रोजेक्टिंग सीट्स ओवर 1850-70 में से, तो पीपल सपोर्टेड अप, दे सॉ थ्रू इट दैट स्टेइंग इन द फूल्स पैराडाइज। गोवा छोटा है, लोग हर एक आदमी को जानते हैं। बीजेपी हैव नॉट परफॉर्म्ड, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इशू इन गोवा। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ नहीं किया। कांग्रेस, एवरीबडी सेज बी पार्टी ऑफ बीजेपी, इनके पास अच्छे प्रोग्राम है, लेकिन लोगों के पास जाना चाहिए। दैट्स व्हाट पीपल रिक्वायर, दैट्स ऑल ट्रू, बट दे आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर यू। ऑल द यंगस्टर्स आर हियर, दे रिक्वायर क्रेडिबल फेसेस, एजुकेटेड फेसेस, इजंट इट राइट? लोग जानते नहीं आपको। यू रिक्वायर एजुकेटेड फेसेस, क्रेडिबल फेसेस एंड अ टीम व्हिच विल वर्क फॉर द स्टेट ऑफ गोवा एंड फॉर द यंगस्टर्स। और एक बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा, एक मिनट आप दोगे मुझे, एक बड़ी चीज कहना चाहूंगा मैं। यहाँ गोवा में खेती करने वाले जो किसान हैं, उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया था पिछले सरकारों ने, शुरू से 64 से 74 से था, और उनको मालिक बनाया था किसानों को अपनी जमीन का। इन लोगों ने किसी की डिमांड नहीं थी, किसी ने कुछ पूछा नहीं था। इन लोगों ने ऐसा एक टेनेंसी एक्ट जो अमेंड कर दिया कि अब किसान लोग भूखे मर रहे हैं, इनकी जमीन उनसे हाथों से खींची जा रही है। और इन्होंने वादा किया था 2012 में कि एग्रीकल्चर को अट्रैक्टिव बनाएंगे और मोर प्रॉफिटेबल बनाया, किस तरह से जमीन बेचने से। जी, बट आई विल टेल यू, और कल्टीवेटिंग लैंड को बढ़ाने की बात की थी, लेकिन उसमें भी कोई खास इजाफा नहीं हुआ। दिस इज अ वेरी बिग इशू कंसर्निंग द यू नो डाउनट्रोडन द फार्मर्स। प्रॉब्लम ये है कि किसी ने ये जन आंदोलन करना चाहिए था ना। लास्ट पांच साल से कांग्रेस ने असेंबली में ये इशू नहीं उठाया। असेंबली में यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस अमेंडमेंट वॉज पास इन द असेंबली विदाउट ऑपोजिशन, यूनैनिमसली पास्ड। सुनिए मैडम, इन्होंने 3 अमेंडमेंट्स करवाए थे। एक किया था कि सनसेट क्लॉज कहा था, 3 बरस के अंदर अंदर अगर आप सिविल कोर्ट में नहीं जाओगे तो टेनेंसी का राइट आपको नहीं मिलेगा। दूसरा कहा था अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से कोई जमीन लेकर ये बो रहे हो आपको वो टेनेंसी एक्ट नहीं मिलेगा। और तीसरा कहा था कि जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं तहसीलदार वगैरह के, वहां से इनको भेजा गया सिविल कोर्ट में। मैंने एजिटेशन शुरू कर दिया, खेती किसानों ने एजिटेशन शुरू कर दिया, उनके एक संगठन है उन्होंने शुरू कर दिया। हम सब मिलके इसके खिलाफ रहे। इनको दो, इनमें से दो प्रावधान इनको पीछे लेना पड़ा, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट का और दूसरा। लेकिन ये मेन मुद्दा जो है वो है ज्यूरिसडिक्शन का, किसानों को जमीन का मालिक बनाने का।
ये लोग जुटे हुए हैं बीजेपी, दे आर हैंड इन ग्लोव्स, मनी बैग्स चलाते हैं ये लोग, बड़े लोग। बीजेपी पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो लैंड ओनर्स को फेवर कर रही है, वो कैसीनो ओनर्स को फेवर कर रही है, वो माइंड ओनर्स को फेवर कर रही है, वो लीकर बैरन्स को फेवर कर रही है, और वो एक खास सवर्ण तबके को भी फेवर कर रही है। ये आरोप के साथ आप कैसे चुनाव में जाएंगे, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन कांग्रेस के ऊपर बीजेपी का आरोप ये है कि कांग्रेस ने कुछ ऐसे वादे कर दिए हैं चुनाव में जो शायद पूरा ही ना कर पाए, क्योंकि जिस तरह की फिस्कल डेफिसिट है उसमें कहां से पूरे होंगे, जैसे 5 लीटर पेट्रोल देने का वादा हो, फ्री वाईफाई का वादा हो, जॉब्स का, जॉब सिक्योरिटी का वादा हो, 50,000 आपने अनएम्प्लॉयमेंट का फीस देने का वादा कर दिया, इस तरह के वादे कैसे पूरे करेंगे, ये सारे सवाल हैं। क्योंकि यूथ है इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। एक ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो इन सवालों का जवाब और उसके साथ साथ इन युवाओं के भी सवाल आप लोगों से कराएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो आज सरोकार में हम बात कर रहे हैं गोवा चुनाव पर। गोवा चुनाव में जिस तरह के राजनीतिक दलों का बिखराव है उसके बारे में अनुमान लगाना बेहद कठिन हो गया है कि कौन सा राजनीतिक दल एज में है, किसको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां इस वक्त चुनाव मैदान में हैं। मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट माना जा रहा है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, इसके बाद मैं ऑडियंस के पास जाऊँगी। जो बीजेपी के चेहरे के रूप में जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है वो केंद्र में मंत्री हैं, जो यहाँ पर मंत्री हैं उस पर लगता है बीजेपी को भरोसा नहीं है, इसलिए वो केंद्र के मंत्री को लेकर यहाँ पर प्रस्तुत करना चाह रही है। दूसरी तरफ आपने इनसे अलग भी हो गए हैं लेकिन लोगों को ये भरोसा नहीं है कि आप इनसे अलग ही हैं, तो इसको कैसे आप देखते हैं? हमने कब कहा है कि केंद्र का मंत्री आके यहाँ चीफ मिनिस्टर बनेगा? आपके नेता नहीं, ऐसा हो सकता है बोला है, नहीं ऐसे प्रॉमिस तो नहीं किया है ना। अगर चुने हुए जो MLAs होते हैं इनका जो व्यू है वो लेके आगे की रणनीति तय हो जाएगी ना। यहाँ के MLA जो बताएंगे कि उनका नेता कौन चाहिए, उनको कौन चाहिए, तो तभी नेता चुन के आएगा। ऐसा थोड़ी है कि केंद्र से कोई आएगा और चीफ मिनिस्टर होगा, ऐसा नहीं बोला है हमने। अगर यहाँ के MLA चुनेंगे तो ये वादा किया जा सकता है कि केंद्र से कोई नहीं आएगा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, ये वादा कर सकते हैं? ये तय हो सकता है गोवा में ही ना, जब हमारे MLA चुनेंगे कि पर्टिकुलर आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाना है MLA को, तो गोवा के MLA डिसाइड करेंगे। हृदयनाथ जी, अगर मान लीजिए मनोहर पर्रिकर के बजाय किसी और को मुख्यमंत्री प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो क्या आप लोग बीजेपी के साथ बाद में जाना पसंद करेंगे अलायंस में? नहीं, हम तो अलायंस कभी भी बीजेपी के साथ और कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने अभी मनोहर पर्रिकर जी का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए कि वहाँ पे फेल क्यों हो गए और वो गोवा में उनको भेजना क्यों चाहते हैं। उनका फेलियर अभी गोवा के सामने मोदी जी ने ही रखना चाहिए, क्योंकि ही इज़ द बिगेस्ट फेलियर, क्योंकि वहाँ पे बम फट रहा है और यहाँ पे वो हमारे मुख्यमंत्री को बचाने, वो तो कह रही है कि मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं वो। वो ऐसा नहीं कह रहे ना, शी इज सेइंग दैट वो लोग डिसाइड करेंगे, जो MLA है MLA डिसाइड करेंगे कि मनोहर पर्रिकर यहाँ पे चाहिए, लोगों को नहीं चाहिए ना। सो लोगों ने अभी सोचना चाहिए कि वहाँ पे इंपोर्ट करने वाले जैसे मुख्यमंत्री यहाँ पे अगर आने वाले हैं तो लोग उनको वोट नहीं करने वाले इस बार। लोग तो गोवा सुरक्षा मंच और MG पार्टी जो है और शिवसेना उनके ही वोट करने वाले। दूसरी बात ऐसी है कि ये सब तो क्या आप लोग सरकार बनाएंगे? हम लोग तो डेफिनेटली सरकार बनाएंगे। आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है? सुधीर ढवळीकर जी। हम लोगों ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा मुख्यमंत्री जो है सुधीर ढवळीकर जी रहेंगे, और किसी ने नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने भी किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी हैज नो स्टेक्स इन गोवा, ऐसा है। कांग्रेस तो पूरा खत्म हो चुकी है, बीजेपी को हम लोगों ने खत्म कर दिया। विकल्प बनने की कोशिश आप भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, और आप दोनों विकल्प मिलके एक दूसरे का वोट भी काट देंगे तो अच्छा होता कि आप दोनों मिलके चुनाव लड़ते। वैसा नहीं है, वो उनका आइडियोलॉजी हमारा आइडियोलॉजी पूरा अलग है, नंबर वन। दूसरा, आम आदमी पार्टी गोवा में जो आई है वो सिर्फ कांग्रेस का वोट बैंक खत्म करने के लिए आई है। दे हैव कम हियर टू सेव बीजेपी, लेकिन वो होने वाला नहीं है। सो उनका कटेगी वो जो भी है वो। सो ये आप
ये अच्छा है कि सभी बीजेपी की बीटी में आवाज में कह रहे हैं कि वो इसलिए आई है कि कांग्रेस भी हमारी बीटी में है और आप भी हमारी और दूसरा ऐसा है ये भी हमारी बीटी में सभी हमारी बीटी में विजय तो बीजेपी का निश्चित है सभी हमारी बीटी में है तो विजय तो बीजेपी का ही निश्चित है ना ये हमारी बीटी में आप हमारी बीटी में कांग्रेस भी हमारी बीटी में बीजेपी को हमारे बीटी बनना है तो आइए सामने अगर दो महीने से अब आपने बोला है कोई प्रॉब्लम नहीं है दो महीने से अगर आप लोग देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को तो कांग्रेस पार्टी जो भी कर रही है इट इज बेनिफिटिंग बीजेपी उनका कुछ तो कॉम्प्रोमाइज हो गया बीजेपी के साथ इसीलिए वो कर रहे हैं कैसे फायदा पहुंचा रही है बीजेपी को उनका कैंडिडेटर रहेगा कौन कैंडिडेट वो रख रहे हैं पूरा गिरने वाले कैंडिडेट उन्होंने रखा है आपको कैसे पता चलता है गिरने वाले दे आर जस्ट हम लोग बी टीम कह रहे हैं लेकिन सब लोग एक हो रहे हैं अभी कांग्रेस वो भी करप्ट था बीजेपी उनसे दो कदम आगे है करप्शन में सो वो भी करप्ट है गोवा की जनता देख रही है और गोवा की जनता को अभी पता है कि अगली सरकार किसने बनने वाली है एक ही बात यहाँ पे हो रहा है कि अभी गोवा के लोग जो है वो बाहर नहीं निकल रहे क्यों नहीं निकल रहे वो भी आपको बता रहा हूँ बीजेपी ऑफिस से लोगों को फोन आ रहा है मैडम आपको लाडली लक्ष्मी मिल रहा है मैडम आपको ग्रोह आधार मिल रहा है अच्छा मिल रहा है तो आपको बीजेपी को वोट करना चाहिए ऐसा कह के लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं हम लोग जब प्रचार में जाते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर वो लोग हमारे साथ आएंगे तो वो सब स्कीम्स बंद करने वाले हैं लाडली लक्ष्मी स्कीम होंगे और जो स्कीम 1-1.5 हज़ार की 2 हज़ार की स्कीम जो है वो बीजेपी बंद करेंगे ऐसा उनको धमकी दे रहे हैं अगर सरकार आपकी बनेगी तो आप चलाइएगा वो बंद करें वो बस बंद नहीं हो रही है सो लोगों ने इतना सोचना चाहिए कि बीजेपी सरकार नहीं आ रही है कोई भी स्कीम बंद होने वाली नहीं है सो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे युवा बैठे हैं जो अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं आम आदमी पार्टी ने 50,000 युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है कांग्रेस ने कहा है कि हम युवाओं को 5 लीटर पेट्रोल मुफ्त देंगे वाईफाई मुफ्त देंगे और तरह तरह की सुविधाएं देंगे आप लोग क्या देंगे देखिए हमारा राजनीति का कुछ अलग फंडा है मैं बोल रहा हूँ आप बताइए बिना अंग्रेजी पढ़े कैसे कोई आगे बढ़ सकता है आप लोगों ने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर बीजेपी से अपनी नाराजगी जताई और इसके बाद उनका साथ छोड़ दिया यहाँ पर आप युवाओं से पूछिए वो क्या चाहते हैं अपने लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी की चाह के ऊपर नहीं है इट इज बेस्ड ऑन लॉ आरटी एक्ट जो है एजुकेशनल फ्रेमवर्क नेशनल इंडिया का है वो सब कह रही है और यूनेस्को भी कह रहा है कि एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड शुड बी इन प्राइमरी एजुकेशन शुड मदर टंग कोई भी हो सकता है वो कोंकणी होगी मराठी होगी मलयालम होगी हिंदी होगी कोई भी होगी लेकिन मदर टंग इंडिया का इंग्लिश नहीं हो सकता सो इंग्लिश में एजुकेशन नहीं दे सकते प्राइमरी एजुकेशन लेकिन यहाँ पर करीब करीब 25-30% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है अगर वो अपने बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ाना चाहते हैं तो क्यों नहीं हो सकता किसने कहा क्रिश्चियन लोगों की भाषा इंग्लिश है उनकी तो भाषा कोंकणी है क्रिश्चियन लोगों की भाषा अंग्रेजी नहीं है दे आर इंडियंस और जो भी इंडियंस है उनकी भाषा इंडियन लैंग्वेज ही रहेगी इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज और क्रिश्चियन लोगों की भाषा अंग्रेजी नहीं है ये कुछ गलत धारणा है जो कुछ लोगों के दिमाग में बैठी है ये गलत धारणा जो है वो कांग्रेस ने पहले फैलाई है और यही गलत धारणा जो है वो बीजेपी अभी फैला रही है क्योंकि माइनॉरिटी और मेजोरिटी का जो फर्क है वो डिफरेंस है वो कांग्रेस ने पहले बनाया उसका बढ़ावा अभी बीजेपी दे रही है हम लोग बोल रहे हैं कि हर कम्युनिटी जो गोवा का है इज इक्वल हर एक की भाषा कोंकणी और मराठी है गोवा में और कुछ जो है वो कन्नड़ और मलयालम बोल रहे हैं ये आपकी बात है आपकी समझ है लेकिन जो युवा हैं यहाँ पर इस वक्त वो क्या समझते हैं इसके बारे में और सोचते हैं मैं चाहती हूँ इनमें से कोई सवाल अगर पूछना चाहता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में स्पेशली पढ़ाई की भाषा क्या होनी चाहिए उसके बारे में तो आप लोग सवाल करें So my question to you is that since Konkani is treated as the identity of the Goan people, it's almost synonymous to the identity, why is that Marathi schools are also given grants? And if Marathi as another language, because you are saying that a population also speaks in Marathi, there's a population that also speaks in English. So why doesn't that population also have the freedom to get the grants as well? Medium of instructions and a language are two different things. Medium of instructions jo hai, उसमें ये कहा गया है कि जो एजुकेशन प्राइमरी फर्स्ट टू फोर्थ शुड बी इन मदर टंग इंग्लिश जो है वो इंडिया में किसी का भी मदर टंग नहीं है सो मदर इंग्लिश को ग्रांट्स नहीं दे सकते बिकॉज लॉ डजंट अलाउ एनी गवर्नमेंट
to give grants to English medium number one. Let me complete the answer. दूसरी बात यह है कि साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन और यूनेस्को ने भी कहा है कि अगर बच्चे का एजुकेशन प्राइमरी लेवल, गोवा में अभी फोर्थ तक है प्राइमरी लेवल, महाराष्ट्र में एट तक रहेगा, कहीं पे दस तक टेंथ तक रहेगा, लेकिन एटलीस्ट फोर्थ तक जो है एजुकेशन जो है वो मदर टंग में इसलिए होना चाहिए क्योंकि बच्चे का जो मानसिक है, बुद्धि जो है, वो अपने ही लैंग्वेज में बढ़ सकती है। आपकी आपका लॉजिक समझ में आया, लेकिन मैं राजू जी आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। ये जो मदर टंग का सवाल है, ये इनकी बात से ऐसा लगता है कि ये क्रिश्चियन पॉपुलेशन और उसकी भाषा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये मानते हैं कि क्रिश्चियन का कोई अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं है, वो सब कोंकणी भाषा बोलते हैं। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्या वाकई क्रिश्चियन पॉपुलेशन? मुझे लगता है ये जो बोल रहे हैं उसमें 50% ट्रूथ है। गोवा में कोंकणी और मराठी स्कूल्स प्रमोट करने चाहिए। इंग्लिश को अगर बढ़ावा दे तो कोंकणी और मराठी स्कूल्स खत्म हो जाएंगे एंड दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट अवर कल्चर। एंड इफ वी एवरीबडी स्पीक्स अबाउट कल्चर, गोवा हैज ए आइडेंटिटी, गोवा आइडेंटिटी इज डिपेंड्स ऑन कोंकणी लैंग्वेज, सो कोंकणी एंड मराठी स्कूल्स हैव टू बी प्रमोटेड। गवर्नमेंट जो कर रही है एक बात गलत कर रही है, वो कि इंग्लिश को वो सपोर्ट करने जा रही है एंड दे वॉन्ट टू फिनिश मराठी एंड कोंकणी स्कूल्स। उन्होंने मराठी और कोंकणी स्कूल प्रमोट करने के लिए लास्ट 5 ईयर्स में कुछ नहीं किया, सिर्फ वादे किए। मुझे लगता है टीचर्स ट्रेनिंग अच्छी तरह रहनी चाहिए, कोंकणी और मराठी में अच्छा सिलेबस तैयार होना चाहिए, स्कूल्स में अच्छा तरह से मॉडर्न स्कूल्स बनने चाहिए, ये नहीं किया। और ये नहीं करते हुए इंग्लिश को प्रमोट कर ले, दिस इज ए प्रॉब्लम। इसका प्रॉब्लम वो तो कहते हैं हम दूसरे लैंग्वेज कोंकणी और मराठी को भी प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, दिस इज गलत है। कोंकणी और मराठी के लिए ये गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आई विल टेल यू गुड एग्जांपल, देयर इज ए कोंकणी अकादमी, गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी टू प्रमोट कोंकणी लैंग्वेज। गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन एनी ग्रांट्स टू दिस कोंकणी अकादमी फॉर लास्ट 1 ईयर। एज ए रिजल्ट उनका सब प्रोग्राम 1 साल से बंद है। दिस इज द चीटिंग डन बाय द बीजेपी गवर्नमेंट। एज ए रिजल्ट इंग्लिश स्कूल्स भी अच्छी तरह से चल नहीं रही है, मराठी स्कूल्स भी चल नहीं रहे और कोंकणी स्कूल्स भी। एंड एजुकेशन जो चल रहा है गोवा में लास्ट 5 साल से एकदम नीचे की तरह जा रहा है। एजुकेशन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं दे रही। जी, अगला सवाल कोई पूछना है इसके बारे में? एक मुझे भी इसकी, हां आप बात, दिस इज अ वेरी रेलेवेंट इशू। एमओए का जो मेनली कंसर्न्स द यंगस्टर्स, मतलब इंग्लिश तो एसेंशियल है ही यू फॉर योर जॉब प्रोस्पेक्ट्स, करियर एंड ऑल। वी फील जो मदर टंग है उसको भी एनकरेज करना चाहिए। और जो लैंग्वेज का इशू उठा रहा है वो इलेक्शन में आ रहा है, क्यों आ रहा है? मतलब लोगों को बांटने के लिए। Our view is that the language protagonist cannot form this MOI policy. We have to involve the educationists, professionals to form an educated policy. So, regional language ko encourage karna bahut zaruri hai. Uske saath hi English is also viable. I mean, it's a very language is essential to further the career of a student. मतलब आप क्या वादा करते हैं कि कोंकणी और मराठी के साथ English को भी बराबर promote किया जाएगा? Yes, बराबर. One minute. जैसे कि राजू नायक ने कहा है कि हमने पिछले 5 साल में मराठी और कोंकणी को कुछ नहीं किया है, तो मैं उसको बताना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल में हमने 99 कोंकणी और मराठी स्कूल्स को रिपेयर किया है, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको एक बच्चे को 400 रुपये महीने में हम ग्रांट्स दे रहे हैं उन स्कूलों के लिए। ज्यादातर वो बच्चे उन स्कूल में जाना चाहिए, इसीलिए वो किया है। अभी देखो गोवा अभी टीचर्स कितने पॉइंट किए, कितने बहुत सारे किए है। देखो मैं बताती हूँ, गोवा लिबरेट होने अभी 55 साल हुआ है, इसमें 28 साल कांग्रेस रूल कर रही थी, उसके पहले MGP रूल कर रही थी। तो जब वो सरकारें थी तब जब मेरी बेटी थी, मैं बताती हूँ, मैंने उसको स्कूल में मराठी मीडियम के में लेने के लिए डालने के लिए लेके गई वो शाला में। तब इस वो जो स्कूल था इसका जो मैंने जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा वहाँ का, जब वो सब ये देखा तो मुझे लगा कि ऐसे वहाँ मेरी बेटी कैसे पढ़ेगी, मुझे लगा ऐसा। आई वॉज नॉट, निराशा हुई इसलिए मैंने, मुझे निराशा हुई कि बाबा यहाँ मेरी बेटी कैसे पढ़ेगी, इसलिए मैंने उसे दूसरी शाला में पढ़वाया। अभी आप जाके देखो जहाँ मराठी स्कूल है, इंग्लिश स्कूल है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखो। अगर ये पहला हो जाता, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मिल जाता, सवाल की तरफ जाती हूँ, अगला सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न जो है वो गोवा सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता जी से है। आप क्या चाहते हैं? आपने जैसे आपने स्टेटमेंट दिया कि 4th स्टैंडर्ड तक बच्चों को कोंकणी और मराठी बोलनी चाहिए, आप पढ़नी चाहिए,
लेकिन आप चाहते क्या हैं कि मतलब फिफ्थ स्टैंडर्ड के बाद जो बच्चे हैं वो ABCD पढ़ें और बाहर की दुनिया में, गोवा में रहते तो ठीक है कोंकणी मराठी चले गए, लेकिन बाहर की दुनिया में वो क्या करेंगे फिर बाद में, बाद में धक्के खाते रहे। नहीं, नहीं, नहीं। आपको अगर इंग्लिश पढ़ना है तो व्हाई डोंट यू पे स्कूल में जाओ, प्राइवेट स्कूल में जाओ, प्राइवेट। अगर इंग्लिश ही पढ़ना है तो कंपटीशन, अगर आपको वर्ल्ड में कंपटीशन करना है आप पैसा पे कराओ और इंग्लिश पढ़ो, तो आपको गवर्नमेंट चाहिए। ये जरूरी है, दिस क्रिएट्स अ बैरियर बेसिकली, व्हाट यू से। एक मिनट, आई लेट टू दिस। उन्होंने जो कहा वो ठीक है, हम लोग वही कह रहे हैं कि पे करो और इंग्लिश सीखो, और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश कैन बी अ सब्जेक्ट, लेट मी बी वेरी क्लियर, इंग्लिश कैन बी अ सब्जेक्ट बट इट कैन नॉट बी अ मीडियम। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मीडियम जो है वो इंडियन लैंग्वेज में होना चाहिए और हर स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। बिकॉज आप अगर इसराइल में चाहिए जाएंगे तो इब्रू में ही PhD होती है, इंग्लिश में PhD नहीं होती। आप चाइना में चाहिए, उनके लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में नहीं होता, और दे आर मोर डेवलप्ड देन इंडिया। देखिए आप लोग अपने तर्क जरूर दे रहे हैं, लेकिन युवाओं को लग रहा है कि इससे हमारा प्रोस्पेक्ट कहीं पर बाधित हो रहा है, तो इसलिए उनके अपने अपने सवाल है। मैं चाहती हूँ कुछ और लोग अगर और दूसरे सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछें। My question is to the BJP spokesperson. As they said that they are providing internet and everything to the students right now, what are they expecting when y'all will be coming to power and there will be unemployment? Y'all are making the students used to this internet and everything, and y'all want the parents to fund all of that if y'all are not going to give any employment to the youngsters right now? Very good question. Huh? Very good question. एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने तो अभी एक्चुअली वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग द IT इन दिस पेरने एंड ऑल्सो इन चिम्बल एंड वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 50,000 जॉब्स विल बी क्रिएटेड देयर। सो वी वॉन्ट दैट द चिल्ड्रन वो आर गोइंग आउट, अवर चिल्ड्रन आर वो आर गोइंग आउट IT चिल्ड्रन स्पेसिफिकली इन पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, दे शुड ऑल्सो कम इन गोवा। वी आर जस्ट गोइंग थ्रू टूवर्ड्स दैट टू प्रोवाइड द जॉब फॉर द चिल्ड्रन। मैडम आपकी पार्टी आप बच्चों को फंसा रही है, फंसा रही है, बराबर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 5-10 साल पहले इधर आपके करीब IT हैबिटेट इनके घर के साथ बन रहा था, उधर मांदरे में साइबर सिटी बन रही थी और चिम्बेल में IT हैबिटेट बन रहा था, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बन रही थी। इन लोगों ने एजिटेशन करके वो बंद करवाया, बताइए हमें क्यों बंद करवाया, business. Be an entrepreneur. That's what the world is all about. Do you have any question? Sir, AAP has promised to make Goa garbage free within 1 year of coming to power. How do you all plan on implementing that, and what do you all plan on doing with the existing garbage sites like Sonsar, etc.? We have got a garbage plant at Saligaon, which is hardly able to cope up with the, because it's not working, it's not being utilized to 100%. Now, first thing, garbage cleaning starts with the home itself. Hindi mein. Jo hamare garbage cleaning hai, wo hamare ghar se hi chalu hota hai. So it start at house, let's segregate karte hai pehle ghar pe hi. And then the whole process will be starting, we'll be getting new vendors for that, the process will be stabilized for that. Jo hamare Sansora mein aur Saligaon mein dala hai, let us utilize pura 100% ke liye, wo use nahi ho raha hai. Jabki Bharat mein Swachh Bharat abhiyan chal raha hai aur Delhi mein aapki sarkar hai, lekin मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर आप यमुना ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते। और जो MCD चला रहे वो MCD चला रहे, बीजेपी लोग क्या चला रहे। अभी फरवरी में इलेक्शन है, जरूर बदल आएगा वहाँ पे MCD में हमारे। देखिए हम दिल्ली की जनता को बड़ा अफसोस होता है जब आपसे सवाल पूछो तो कहते हैं MCD चला रहा है, जब बीजेपी से सवाल करो तो कहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है। मोदी जी को किससे डर है, आपको पूरा मालूम है दिल्ली में। ये सवाल आपने वो प्रोजेक्ट देखा है क्या जी, अभी आपने देखा है प्रोजेक्ट जाके पूरा कैपेसिटी में यूज नहीं हो रहा, क्या क्या नहीं हो यूज हो रहा है जाके देखो। फर्स्ट प्रोजेक्ट इन एशिया, फर्स्ट प्रोजेक्ट इन एशिया जाके देखो उसको, वो बीजेपी ने बनाया है। मेरा सवाल बीजेपी से है, आप लोगों ने अभी थर्ड मांडवी ब्रिज स्टार्ट किया है, लेकिन जो जुआरी ब्रिज है वो तो अभी कोलैप्स होने वाला है। अभी स्टार्ट किया है ना, काम चालू है अभी थर्ड ब्रिज का, अभी जुआरी ब्रिज का भी।
आपने देखा नहीं है क्या? देखा नहीं, हर रोज हाँ, चालू है, अभी चालू हो हुआ है। फाउंडेशन स्टोन इज लेट्स, नहीं डिगिंग का काम सब शुरू हो गया है, ये बीजेपी ने किया है। पहले मांडवी ब्रिज मैं बोलती हूँ, अभी देखो पिछले 5 साल और प्रीवियस के 5 साल जब बीजेपी सत्ता में है तभी डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है। अगर कांग्रेस बताना चाहती है जिसने 28 साल यहाँ राज किया है एक भी प्रोजेक्ट इसके नाम पे है तो बता दो। पिछले 7 साल में जब कांग्रेस पावर में थी तो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन का उधर नेम प्लेट डाली थी जुवारी ब्रिज के, कहाँ गई वो नेम प्लेट? किसने काम शुरू किया? आपने उठा लिया। हमने उठा दिया तो काम क्यों नहीं शुरू किया? लेकिन मुझे एक सवाल, लेकिन आपने आपने केवल फाउंडेशन स्टोन डाला, आपने जो है प्रोजेक्ट की शुरुआत 5 साल में सिर्फ शुरुआत की। जस्ट लोगों के साथ परेशान है, सोशल मीडिया पे वीडियो डालो तो सलूशन नहीं मिला ना। देखो आपका नाम क्या है? एग्नेस। अभी आप कहाँ से हो? यहाँ से? वास्को। वास्को से? तो आप जाते वक्त जरा देखो कि काम कितनी जोर से शुरू है। दो मैं आपको बोलता हूँ, बीजेपी इज ऑल फॉर डेवलपमेंट, वी ऑल नो, बट लॉट ऑफ मनी, इतना पैसा सी, वी वांट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कितना ब्रिज चाहिए? लोगों को पूछा है क्या मांडे के ऊपर तीसरा ब्रिज चाहिए? नहीं, पेंजिम सिटी को स्मार्ट बनाओ, पेंजिम रोड में कुछ अच्छा प्रोजेक्ट लाओ, गार्बेज फ्री बनाओ, उसका नहीं, ज्यादा से ज्यादा पैसा लाने का, ज्यादा से ज्यादा करप्शन। मिस्टर राजू नायक, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग शुड बी डन इन 5 इयर्स, आस्क पीपल, नो आस्क, आप लीडर, आप नहीं हो सकता है, सब प्रॉमिस क्यों किया था? सब दैट इज ऑल ट्रू। नहीं, हम मानते हैं, हम मानते हैं कांग्रेस अभी देखो 28 साल यहाँ जिसने ज्यादा डेवलपमेंट किया है, मैं बता दूं 28 साल जिसने यहाँ राज्य किया, इसने क्या किया वो बताओ। आस्क द पीपल व्हाट पीपल वांट। और कोई सवाल पूछना चाहता है? मैडम, मेरा करप्शन से संबंधित एक सवाल है। दोनों पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी, ये दोनों पार्टी जो है हमेशा करप्शन की बात करती है और करप्शन बेस्ड इलेक्शन लड़ना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से, दिलीप पोर लेकर टूरिज्म मिनिस्टर, जिनके ऊपर हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद भी वो मंत्री पद से नहीं हटाए गए, इसके विषय में इनका क्या कहना है? और आम आदमी पार्टी की आधी कंपनी जो है वो जेल के अंदर जाके आ चुकी है और बचे हुए लोग भी जाने वाले हैं, इसके विषय में इनका क्या कहना है? और इसके आगे ये करप्शन के लिए और क्या मुद्दा रख रहे हैं सामने, वो मैं जानना चाहता हूँ। जी, आप दोनों जवाब के बारे में पूछिए भाई। अभी दिल्ली की मैं बात बता दूं, हमारा जो सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे उनका एक टेप आया था, अरविंद जी को सुनाया दिया, मीडिया में नहीं आया था, तो मोमेंट उन्होंने सुना ही वाज कॉल्ड और उसको बर्खास्त कर दिया। यह हमारा टॉलरेंस है करप्शन के, अगेंस्ट करप्शन। जो आपने मिनिस्टर की बात की दिल्ली में, वो आपको चालू है कैसा खेल कर रहे हैं, मोदी जी जेल में डाल रहे हैं और बाकी कोर्ट से फतवा आता है, मोदी जी ये मत करो, यू आर एंटरिंग आर्बिट्रेरी, और जो पेपर में भी आ रहा है लेकिन छोटे फॉन्ट्स में, शायद आपने पढ़ा नहीं, वो हर मिनिस्टर को अंदर डालो बाद में निकल रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो दिल्ली की बात हो गई, मैं तो गोवा के बारे में कह रही हूँ। गोवा में जिसको आपने चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट बनाया है उसके बारे में आरोप लग रहे हैं, मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है। उसका जवाब पहले मैंने दिया, तो लग रहे हैं वो आरोप लगा जब उसने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। पहले यही जो चीफ मिनिस्टर थे और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उसको अच्छे सर्टिफिकेट दे रहे थे, हमारा काबिल ऑफिसर है, अब बाद में उसने जब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया तभी आरोप चालू हो गए। पीडब्ल्यूडी जो काम करती है उससे 4 गुना ज्यादा पैसा जो है वो जीएसआईडीसी से जाता है। जो प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी ने करना चाहिए था वो जीएसआईडीसी से हो रहा है। आप यहाँ का मिरामार का रोड लीजिए, अभी तक इनकम्प्लीट है, 100 करोड़ से ज़्यादा हो गया। ये है बीजेपी का करप्शन। पीडब्ल्यूडी से जो फंडिंग होना चाहिए था वो न करते जीएसआईडीसी में किसी एजेंट को बैठा के चेयरमैन करके वहाँ से सब कुछ काम हो रहा है और बहुत बड़ा करप्शन जीएसआईडीसी और करप्शन के क्या-क्या चार्जेस हैं और क्या-क्या करप्शन कर रही है बीजेपी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर जो एक्स मिनिस्टर पिछले किसकी भी सरकार आने दो वो मिनिस्टर रहता है, किसकी भी कांग्रेस की आई तो भी वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहता है, बीजेपी की सरकार आई तो भी वो पीडब्ल्यूडी की मिनिस्टर रहता है। पीडब्ल्यूडी में कुछ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कुछ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, इसीलिए सभी कुछ नहीं क्लीन है। नहीं, पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर सभी क्लीन है। नहीं नहीं, किसका भी सरकार आए अभी भी वो बताता है, अभी भी वो बताता है। मुझे 4 साल उनके साथ मिनिस्टर ट्रबल अकॉर्डिंग टू कम्पनी इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड रोड
no one's talking about that. Like, you know, as a youngster, I feel like we have to travel to college. Like, almost have to travel like 7 to 8 kilometers to reach to college, and the roads are like in very bad condition. Just recently, the roads have been done, and I'm not getting it. Like, you have like 5 years, but to do the road proper, but just because the election, you just started to make roads and stuff like that. Why not before? Even my road where I was staying, it was like totally destroyed. Like, there were like as big as in cane like that, and it was done just like, you know, it was done for like almost 13 years, and it was done like recently. Like, why so much of time? Yeah. Why so much of time to like, you know, to like, they're talking about development, but bijli, sadak, pani. Yeah, yeah. Hmm. That's what my question is. And any other question? A question to the Congress party. You all have promised to provide so many funds and schemes. How do you plan on generating these funds? And also, what would be your justification for the free petrol scheme? Because it's an exhaustible resource. So why promote it? Like, promote people to use it so much? जी, ये दोनों सवाल बीजेपी से भी है और कांग्रेस से भी है कि बिजली सड़क पानी का मुद्दा वैसे का वैसा बना हुआ है और दूसरी तरफ आप लोग जो बड़े बड़े फ्रीबीज बांटने की बात कर रहे हैं उसको उसके लिए पैसे कहाँ से ले आएंगे? बताइए, बिजली सड़क पानी इतनी देर, मतलब ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में और इससे पहले की भी सरकारों ने कुछ नहीं किया उसको लेके, एक स्टूडेंट के नाते अगर किसी को इतने छोटे शहर में जिसको एक छोर से दूसरे छोर तक नापने में 2.5 घंटे मैक्सिमम और 110 किलोमीटर लगते हैं, उसके लिए भी सड़क नहीं बन पा रही है, तो बाकी सब का क्या होगा? अभी बनाया है ना, तो बीजेपी ने ही बनाई ना, बीजेपी ने ही बनाई है ना सड़क? अभी मैं आपको एक देर लगी, देर लगी, फिर भी बीजेपी ने सड़क बनाई है। 5 साल लगे। तो वो बोल रहा है कि पिछले 13 साल से हो नहीं रही है। मैं मापसा से हूँ, जो यहाँ से 13 साल से लोग आए हैं उनको मालूम है, मापसा में पूरे रास्ते 5 साल से खड़े हुए थे। और बताया जाता है स्कूल में अगर कोई बच्चा पूछता था टीचर से मार्स कैसे दिखता है, मंगल ग्रह, तो टीचर बताती थी मापसा के रास्ते देख लो, इट्स लाइक लुक्स लाइक मार्स। पूरे खड़े खोदे हुए थे रास्ते। ये डेवलपमेंट था बीजेपी का, और जब इलेक्शन आ गया 1 महीने पहले उसको रास्ते को ये कर दिया, स्मूदन कर दिया 1 महीने के लिए, अब बाद में बारिश के बाद खत्म हो जाएगा, ये उनका डेवलपमेंट है। हालांकि अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन मैंने देखे जिसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बीजेपी ने जो प्रचार किया है उसमें है इलेक्ट्रॉनिक सिटी बना दी, मल्टी लेवल कार पार्किंग बना दी, इंडोर स्टेडियम दो दो बना दिए, लेकिन पता नहीं जनता को उससे, गोवा की जनता को कोई फायदा हुआ कि नहीं? उससे पैसा कौन खेल रहा है वहाँ पे? लेकिन आपसे भी एक जरूरी सवाल था। यस, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। इस गोवा प्रदेश का आई वॉज द फर्स्ट IT मिनिस्टर, मैं पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर था, मैंने एक मिनिस्ट्री बनाई और मैंने डॉक्टर रघुवीर माशेलकर, ये जो नाम जाने माने देश के वैज्ञानिक है, इसरो नहीं, अपने केमिकल लेबोरेटरी के चीफ थे, ये एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर को, साइंटिफिक एडवाइजर हैं, यूनाइटेड नेशंस में एडवाइजर हैं, इनकी अध्यक्षता में मैंने इन्फोटेक काउंसिल बनाया और इस काउंसिल में कौन नहीं थे? इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति थे, नैसकॉम के चेयरमैन थे, एसोकॉम के आदमी थे, ऐसे कुछ 4-5 अच्छे लोग उन्होंने एक साथ बिठाए और 5 कलम वाला 5 पॉइंट पूरा पॉलिसी बना दी। इसमें था ई एजुकेशन, इसमें था ई गवर्नेंस, इसमें था IT हैबिटेट IPS सिटी वगैरह वगैरह, और इसमें था ई एनेबल सर्विसेस में 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 50,000 से भी ऊपर जॉब्स उपलब्ध थे। लेकिन जब ये पार्टी मनोहर पर्रिकर सरकार में आ गए, चीफ मिनिस्टर बने, इन्होंने एक काउंसिल खत्म कर दिया, पॉलिसी खत्म कर दी, IT हैबिटेट बंद कर दिया, साइबर सिटी पेड़ने की बंद कर दी, उधर दूसरी आने वाली थी नज़दीक में चिंबल में वो बंद कर दी, और अभी कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी बना रहे हैं। वहाँ के 3-4-5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन इन लोगों ने एक्वायर कर दी है और वहाँ के किसानों को भूखे मर रहे हैं वो लोग, प्रॉपर कॉम्पेंसेशन भी नहीं दे रहे हैं। ये तो आप मेरे मैं सवाल उनके लिए जवाब दे रहे हैं, मगर उस लड़की के सवाल का उसी का सवाल उन्हीं का सवाल है। ये अगर बन जाता तो पूरी तरह से रेवेन्यू भी बढ़ जाता हमारा, क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा आता है तो पूरे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है, उसी से टैक्सेस आते हैं, उसी से बाकी सारे काम हम कर सकते हैं। ये बात तो कैसी है?
एक दो छह महीने के अंदर अंदर ये काम लेकिन अगर कांग्रेस सरकार में आ गई आपके दावे के मुताबिक जरूर आएगी तो और जरूर ये सारा हो जाएगा। पहले पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर कांग्रेस सरकार में आ गई तो पहले आप रेवेन्यू बढ़ाने का काम करेंगे या पहले जो है करप्शन कम्प्लीटली पेट्रोल फ्री देंगे? हम करप्शन कम्प्लीट बंद करवाएंगे। हम लोगों के माथे पर लोगों के माथे पर बिजली का जो ये बिल है वो चार गुना बढ़ाया है वो उसे नीचे लाना होगा। पानी का बिल पांच गुना बनाया है उसे नीचे करेंगे हम। और इन लोगों ने पैसा लोगों से इस तरह से वो निकाल रहे हैं हर तरह से और कहां बेच रहे हैं, कहां खर्चा कर रहे हैं। इन लोगों ने अभी कुछ 17,000-18,000 करोड़ का कर्जा हमारे माथे पर रखा हुआ है। पहले 1200 करोड़ का कर्जा था, फिस्कल डेफिसिट थी सरकार की, अब वो 1600 करोड़ की फिस्कल डेफिसिट हो चुकी है 5 साल के दौरान। सभी पार्टियां जो ये वादे कर रही हैं जनता को देने के लिए कि हम फ्री वाईफाई देंगे या फिर पेट्रोल मुफ्त देंगे या फिर गृह सुरक्षा योजना या जो भी स्कीम चलाने के लिए महिलाओं की कही जा रही है, ये सारी स्कीम्स कैसे चलेंगे अगर खुद सरकारें इतने डेफिसिट में रहेंगी? ये एक सवाल है, लेकिन मेरा तमाम राजनीतिक दलों से एक ही अनुरोध है और सवाल है, जो भी कह सकते हैं आप, कि अगर राजनीतिक दल जनता में अपना भरोसा नहीं जगा पाएंगे तो फिर राजनीति का क्या मतलब रह जाएगा? तो सबसे बड़ा सवाल जनता को ये पूछना चाहिए कि जनता के मन में राजनीतिक दलों ने भरोसा जगाने के लिए क्या किया? ये इस साल इस गोवा के चुनाव में शायद सबसे अहम सवाल है, क्योंकि राजनीतिक दलों की कमी नहीं है, मुद्दों की भी कमी नहीं है, लेकिन जनता के अंदर भरोसे जगाने वाले राजनीतिक दलों की शायद थोड़ी कमी है और उसका खालीपन अभी भी जनता महसूस कर रही है इन सवालों से, कम से कम मुझे लगता है यही। आने वाले दिनों में चुनाव के बाद निश्चित तौर पर एक और हम आप लोगों से बहस कर सकते हैं कि किसने जनता का विश्वास ज़्यादा हासिल किया। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, आपका भी शुक्रिया और आप सबका भी शुक्रिया। नमस्कार।